मैं भी अच्छा दोस्त और हाजिर मैं आप सभी के सामने अपने नेक्स्ट व्लॉग पर। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग कोरोना वायरस से कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम सैनिटाइजर्स से। तो दोस्तों ये सैनिटाइजर्स हैं कुछ, आप सभी देख सकते हैं। दोस्तों कहते हैं ये सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि ये अल्कोहल बेस्ड होते हैं। जिनके पास अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स नहीं होते वो कहते हैं एक्चुअली वो कम जर्म्स किल करते हैं, ये थोड़े ज़्यादा किल्स करते हैं, ठीक है, जर्म्स को। तो कहते हैं ये बेस्ट है। तो अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आपके लिए सबसे बेस्ट मैं प्रेफर करूँगा स्प्रे। आपको ये इजीली केमिस्ट में मिल जाएगा, आपको बस बोलना क्या है कि मेरे को स्प्रे चाहिए, वो आपको दे देगा। तो आपको करना क्या है, इसमें स्प्रे डालना है और फिर 200 ml, आप सभी देख ही सकते हैं, 200 ml इसमें वाटर डालना है। वाटर डालने के बाद ऑप्शनल है कि आपको एलोवेरा जेल डालना है या नहीं डालना है, क्योंकि आप डालोगे तो इसमें स्मेल थोड़ी अच्छी आएगी क्योंकि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होता है, इसलिए थोड़ा स्ट्रांग होता है। और अगर नहीं डालोगे तो आपको स्ट्रांग ही लगेगी। तो वो आपको ऑप्शनल है कि आपको डालना है या नहीं डालना। तो इसे आप घर में भी बना सकते हो इजीली, ये क्या होता है बेस्ट होता है, मैं इसे बेस्ट प्रेफर करूँगा। और अगर आपके घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये। इसे आप बाहर से भी ला सकते हो या इजीली केमिस्ट पर आपको मिल जाएगा या ग्रॉसरी शॉप पर भी मिल जाएगा आपको ये। एक्चुअली ये कहते हैं ये उन लोगों के लिए काम आता है जो बाहर से आते जाते थे, कहते हैं तो कहते हैं जिनके घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। कहते हैं आपको जिसको घर में नहीं बनाना उनके लिए भी ये सबसे बेस्ट तरीका है। कहते हैं ये मेरे को पड़ा है कम से कम 600 का और इसमें 500 ml है। तो आप सभी इसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको ईजिली शॉप पर मिल जाएगा। तो आप अपने सेकेंड टिप पे आते हैं। सेकेंड टिप है हमारा ये, ठीक है। तो आप सभी देख ही सकते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे दूध सा क्या है, एक्चुअली दूध नहीं है, डेटॉल है। आप लोग फिर सोच रहे होंगे कि डेटॉल तो ब्राउन होता है तो ये ब्राउन क्यों नहीं है। मैंने इसमें कहते हैं डेटॉल ही डाला है, कहते हैं मैंने इसमें पहले डेटॉल डाला है फिर पानी डाला है और फिर कहते हैं इसे शेक कर दिया है। तो आप तो बार बार तो गेट को साफ तो करोगे नहीं, तो ये ईजी तरीका है कि आप लोग लो इसे और कहते हैं ऐसे स्प्रे कर दो गेटों पे, तो ये गेट पे आराम से रहेगा। बस आपको ये याद रखना है कि आप इसे आपको इसे पोंछना नहीं है, अगर आप पोंछ दोगे तो जो इन्फेक्टेड एरियाज है वो इन्फेक्ट ही रहेंगे, कहते हैं वो साफ नहीं होंगे। तो आपको इसे पोंछना नहीं है बिल्कुल भी। और आप इसे घर में भी बना सकते हैं बहुत ईजिली और कहते हैं इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादातर घरों में काम आता है जो वो इन्फेक्टेड एरियाज होते हैं। तो अब आते हैं अपने टिप 3 पे, ठीक है। टिप 3 है ये, आप लोग सोच रहे होंगे कहते हैं ये ग्रीन सी बॉटल क्या है, एक्चुअली ग्रीन सी बॉटल है शावर जेल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कहते हैं हम तो कहते हैं सैनिटाइजर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो शावर जेल कहाँ से आ गया। एक्चुअली जो आप साबुन यूज़ करते हो उसमें जो हमारे हाथों में जर्म्स होते हैं हम वो साबुन में लगा देते हैं और फिर हमारे हाथ तो कहते हैं इन्फेक्ट होने से बच जाते हैं, पर जो दूसरे मेम्बर्स जो यूज़ करते हो साबुन को तो जो हमारे हाथ में इन्फेक्शन होता है वो उसे चले जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये प्रेफर करूँगा क्योंकि इसमें जो बॉटल है आप सभी के घर में तो वो कहते हैं क्या बोलते हैं उसे लूफा तो हो गई आपको कहते हैं। तो आपको क्या करना है, बस 2 ड्रॉप लूफा पे डालना है। तो कहते हैं आपको बस वेट बॉडी पे स्क्रब करना है और वॉश कर लेना है। तो ये दूसरों के लिए भी सही रहेगा आपके लिए भी। तो आप सोच रहे होगे कि कहते हैं अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो दूसरा भी तो इसे यूज़ करेगा, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया कि आपको क्या करना है, बस इस पर स्प्रे करना और रख देना है। तो कहते हैं इस पर जो जर्म्स होंगे आपके वो कहते हैं सारे किल हो जाएंगे। तो अब आते हैं हमने नेक्स्ट 3 टिप पे, ठीक है, 3rd टिप पे। तो 3rd टिप है ये सैनिटाइजर, ठीक है, सॉरी सैनिटाइजर नहीं, हैंड वॉश, ठीक है। तो ये हैंड वॉश मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि कहते हैं सैनिटाइजर आपको कहते हैं आपके हाथों में जर्म्स मिटाते हैं, पर सबसे ज़्यादा आपको हैंड वॉश सबसे ज़्यादा बचाता है आपके हैंड्स को। और ये कहते हैं ये सबसे ज़्यादा इजी इसलिए होता है क्योंकि जो हम साबुन यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले उसमें बताया था टिप 2 में कि कहते हैं जो हम साबुन से हाथ धोते हैं उसमें जो हमारे जर्म्स होते हैं वो दूसरों को लग सकते हैं। तो ये सबसे ईजी है कि आपको इसे अपने हाथ पे लगाना है, 20 सेकेंड्स तक इसे रब करना है और फिर हाथ को वॉश करना है। तो ये आपको इजीली केमिस्ट शॉप पे और ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी कहते हैं कंपनी का ले सकते हैं इसे और कहते हैं इसका पैक भी ले सकते हैं आप, कहते हैं मतलब उसका जो इसके अंदर लिक्विड है उसका आप ले सकते हैं
और क्या होता है, अगर आपका ये खत्म हो जाए तो आप जो पैकेट है उसमें इसको रिफिल कर सकते हैं। तो ये सबसे क्या होता है बेस्ट है। तब आते हैं अपनी टिप फोर पे, ये टिश्यूज। तो आप लोग कहीं जाते हो ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आपको कफिंग और स्नीजिंग हो रही है तो आप इसे इजीली अपने माउथ पे लगा के इसमें कर सकते हो, क्या होता है कफिंग और स्नीजिंग ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर हम हैंकी में भी करते हैं, हैंकी भी सेफ होता है पर वो ज़्यादा सेफ नहीं होता, क्योंकि जो हैंकी होता है अगर आप उसमें स्नीज और कफिंग करते हो जो ड्रॉप होती है वो एयर में क्या होता है रहती है, तो उसमें चांस वायरस के बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा प्रीफर करूँगा क्या होता है टिश्यूज, क्योंकि ये इजीली क्या होता है आप इसे कहीं भी क्या होता है डस्टबिन में फेंक सकते हो, और ये इजीली क्या होता है ड्रॉपलेट्स भी नहीं फेंकेंगे, इजी भी होते हैं। तो आप इन्हें क्या होता है घर में ला सकते हो, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे इजीली ठीक है। तो अब आते हैं हमने क्या होता है टिप फाइव पर। तो टिप फाइव है हमारे मास्क। आपने तो बहुत सारे मास्क देखे होंगे, क्या होता है ये वाला मास्क मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि क्या होता है जो कुछ लोग बोलते हैं कि कहते हैं N95 लो, कहते हैं N92 लो, N99 लो, कुछ नहीं ले सकते, कुछ ले सकते हैं, जो नहीं ले सकते उनके लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा बचाता है। क्योंकि जब आप इसे लगाते हैं तो ये आप देख सकते हैं मेटल की स्ट्रिप है, तो आप उसे नाक के पास ला के दबा देंगे तो जो एयर होती है अंदर की, जो ब्रीथ होती है हमारी ऑक्सीजन, वो उसके अंदर ही रहेगी। हमें कहते हैं क्लीन एयर ले सकते हैं, मतलब क्लीन ब्रीथ ले सकते हैं, जो बाहर की इन्फेक्टेड एयर होगी वो हम ब्रीथ नहीं लेंगे। तो कहते हैं ये मास्क मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा, कहते हैं ये मास्क मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ये मास्क थोड़ा कहते हैं खराब होता है, क्योंकि आप लोग इसमें देख सकते हैं अगर मैं इसे लाइट के पास ले जाऊँ तो आपको बाहर का साफ साफ दिख रहा होगा। तो अगर आप इस मास्क को लेते भी हैं तो मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप लोग कहते हैं पहले कहते हैं क्या था फेस को हैंकी से कवर कर लें और फिर इसे लगाएं, क्योंकि फिर कहते हैं ये जो वो पॉल्यूटेड एयर होती है वो इसको कहते हैं बचाएगा। तो कहते हैं आप, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसे लें तो कहते हैं टिश्यू कहते हैं हैंकी को लगा के पहने ठीक है। तो मैं आता हूँ अपनी बोनस टिप पे। तो बोनस टिप ये है, आप लोग सोच रहे होंगे ये तो क्लिप है, कहते हैं ये कैसे बोनस टिप हो सकती है। एक्चुअली ये बोनस टिप इसलिए है क्योंकि कहते हैं कुछ लोगों के पास होते हैं सेम मास्क, जिनके पास सेम मास्क होते हैं उनको पता नहीं चलता कि मेरा मास्क कौन सा और किसका मास्क है। तो सबसे मैं बेस्ट प्रेफर करूंगा, आपको बस एक क्लिप लेनी है, उसके ऊपर अपना नाम लिखना है ठीक है। उस नाम को लिख के जो आपका मास्क है उसे उसके ऊपर क्लिप करना है। आपके पास तो रोप होगी कहते हैं जिसपे आप कपड़े सुखाते हो, तो आपको क्या करना है बस उस पर लगा देना है। और अगर आप ज़्यादा मास्क पहनते भी हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसे कहते हैं डेली रात को डेटॉल से धो ठीक है, और फिर इसे सुखाने के लिए रख दो। तो कहते हैं इसलिए बोनस है, बोनस टिप है, क्योंकि आपको बता भी देगा कि आपका मास्क है। तो मैं ये ज़्यादा प्रेफर करूँगा, अगर आप लोगों के घर में भी क्लिप हो तो आप लगा सकते हैं नहीं इजीली ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कहते हैं लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना ठीक है। और कहते हैं और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कहते हैं सब्सक्राइब भी कर ही देना। टिल देन बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।